फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बारबी टॉय चैनल। तो ये स्टोरी है दो बहनों की। मैं हूँ प्रिया और ये है और मैं हूँ रिया। हम दोनों की स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। मैं हूँ थोड़ी नखरीली बट मेरी प्रिया दी है बहुत ज़्यादा ही सीधी और सरल। हाँ, और मुझे पसंद है बड़े कपड़े पहनना और रिया को पसंद है छोटे कपड़े पहनना। तो हम लोगों में इसी की फाइट होने वाली है, बट हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो चलिए इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अरे रिया, जल्दी आओ, लंच के लिए लेट हो रहा है। अरे रिया आ जाएगी, चलो हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी बहन के बगैर खाना कैसे खा सकती हूँ। हाँ बस आई प्रिया दी। ठीक है, जल्दी आओ। उफ, चलती चलती हूँ वरना प्रिया दी कहेंगी कहाँ रह गई हूँ, फालतू का वो टेंशन लेने लगेंगी। अरे आ गई तुम? हाँ बस मैं आ गई लंच करने के लिए। वैसे प्रिया दी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, वैसे क्या बनाया है आपने? मैंने आज खाने में तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाई है, खुद ही देख लो। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है, चलो खाना शुरू करते हैं। हाँ हाँ चलो, बहुत तेज़ भूखा हूँ मैं। अरे जीजू, खा लीजिएगा खाना, चलो खाना शुरू करते हैं। हाँ हाँ जल्दी जल्दी खा लो, फिर जाओ सो जाना, ठीक है ट्विंकल? और कल मैं तुम्हें ये छोटे कपड़े पहनते हुए ना देखूं। पर क्यों प्रिया दी, मुझे यही कपड़े पसंद है और मैं यही पहनूंगी। नहीं रिया, ये सब नहीं पहने जाते हैं कपड़े, ऐसे हमारी इज्जत ख़राब होती है। नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद हैं और मैं ऐसे ही पहनूंगी। अच्छा ठीक है, चलो सो जाओ। सबने खाना खा लिया? हाँ हाँ मैंने भी खा लिया, चलो ठीक है। प्रिया दी तो हमेशा मुझे मेरे कपड़ों के पीछे डांटा करती है। माना कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो मुझे इतना क्यों डांटती हैं? मैं जा रही हूँ सोने और कल मैं इससे भी छोटे कपड़े पहनूंगी। वहाँ ट्विंकल सो चुकी थी, तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अरे ट्विंकल तो मेरी बात जरा सी भी नहीं सुनती है, मेरी मम्मी भी कहती थी कि ट्विंकल को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। माना कि ट्विंकल को का नाम हम लोगों ने बदल दिया है, रिया रख दिया है, लेकिन अब भी उसे छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए रिया को। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अरे चलिए आइए, सोना नहीं है आपको? हाँ आता हूँ। अरे क्या हुआ प्रिया, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं वो बस ट्विंकल के बारे में सोच रही थी। अरे उसके बारे में कुछ मत सोचो, वो भी बच्चा है, चलो मैं भी सो जाता हूँ। सुबह हो गई है, चलो मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और ट्विंकल को, मेरे मतलब रिया को, मेरे मुंह से तो अब ट्विंकल ही ट्विंकल निकलने लगता है, रिया को उठा देती हूँ। चलो उठती हूँ, चलती हूँ मैं। जाती हूँ, रिया को उठा देती हूँ। रिया 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 उठो। अरे प्रिया दीदी, मुझे सोने दीजिए ना। नहीं रिया उठो, तुम्हें भी कॉलेज पे तो जाना है, उठो जल्दी। अच्छा उठती हूँ, आप जाइए। अच्छा ठीक है, ब्रेकफास्ट तुम्हारा बन गया और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर भी लिया है, और चेंज करके आओ जल्दी से, ठीक है? प्रिया मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? हाँ ठीक है, जाइए।